हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ इति और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। और आज हमारे प्लेटफॉर्म पर बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिंगर अर्पिता बंसल जी की, जिनका अभी हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है। वो गाना कौन सा है, गाने की बोल क्या है, मैं नहीं बताऊंगी, मैं चाहूंगी ये अर्पिता खुद बताएं। तो सबसे पहले अर्पिता का स्वागत करते हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनपीटी अर्पिता। थैंक यू। जय हिंद जय हिंद आप सबको। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। तो अर्पिता, सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि मैं नहीं बताऊंगी गाना क्या है, गाना कौन सा है, कौन से बोल है, मैं चाहती हूँ ये सस्पेंस आप ही रिवील करिए। ओके ठीक है। तो मैं अपने सुनने वालों को दो लाइनें जो बहुत ज्यादा हिट हो रही हैं रील्स के ऊपर वो दो लाइनें मैं सुनाती हूँ। गाने का नाम है सुफना वियादा, ये मैं आपको बता दूँ। सुफना पंजाबी में सुफना सपना जो ड्रीम होता है उसको सुफना बोला जाता है। दिल बड़ा करदा है तेरे करे आके रोटियां पकाउण नू, चूड़ा तेरे नाम वाला पाके सोने वे बाहां गल पाउण नू, प्री वेडिंग फोटो शूट दा नाले प्लान बना ले वे, बस जिन्नी जल्दी हो सकता है तू व्याह करवा ले वे, जे सीधी गल नहीं करनी कोई विचोला पा ले वे। वाह वाह वाह, मजा आ गया अर्पिता। सीरियसली मुझे मन कर रहा है मैं आपको सुनती रहूं। हालांकि मैं अभी देख रही थी यूट्यूब पर भी कि गाने को 5.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, और अभी कुछ ही दिन हुआ गाने को रिलीज हुए। तो इतना प्यार मिलता है ऑडियंस का इतने कम दिनों में, कैसा फील होता है बीइंग अ सिंगर, क्या कुछ फीलिंग होती है? मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा कमेंट्स पढ़ के बहुत बार ऐसा हुआ कि दैट मैं टीयर्स में रही हूँ, बिकॉज लोग जो बोल रहे हैं दे आर सेइंग क्वीन ऑफ पंजाबी कल्चर लिविंग लेजेंड। अगर आप कमेंट्स को चेक करोगे, वैसे तो मेरे कोई सॉन्ग पर कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं होता, जी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। द थिंग इज लोगों की एक्सपेक्टेशंस और हाई हो जाती हैं, और हाई हो जाती है कि अर्पिता जो नेक्स्ट करेगी वो, बिकॉज मैं हर चीज देश के लिए कुछ भी करती हूँ, चाहे वो मेरा गुरुकुल है या मेरी ग्रीन मंत्रा ड्राइव है, उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज जरूर रहता है। इस गाने में भी एक सोशल कॉज रहा, तो बहुत प्यार मिलता है। थैंक यू हर किसी के लिए, टीम के लिए, मेरी पब्लिक, मेरा भगवान, थैंक यू। अच्छा अर्पिता, अब यहाँ पर एक चीज ये बताइए, इस गाने को बनाने में कितना टाइम लगा, क्या कुछ था, क्योंकि कोविड चल रहा है और शूटिंग भी करनी थी, बहुत सारी चीजें थी, कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? ये गाना फरवरी में रिकॉर्ड हुआ था, बहुत टाइम लग गया बिकॉज फिर अप्रैल मई में लॉकडाउन हो गया, उसके बाद जून में इसकी शूटिंग हुई थी। और दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था वो शुरू से था कि मुझे इस गाने में एक सोशल कॉज देना है, और गुलफाम जो मेरे साथ लीड किया है जिन्होंने, वो एक रियल हीरो है सोसाइटी में, बिकॉज वो खुद से एक डिसेबल पर्सन है। मैं डिसेबल नहीं करना चाहूँ कहना चाहूंगी बिकॉज मैं खुद एक प्रतीक स्पेशल स्कूल की एडवाइजरी बोर्ड में हूँ, मेरा बहुत ज्यादा लगाव रहता है, बहुत ज्यादा। मैं पब्लिक से कहना चाहूंगी दीज पीपल दे डोंट नीड अ सिंपथी, दे जस्ट नीड लव एंड अफेक्शन। तो इस वायरस के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज मैं थोड़ा सा आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, बहुत चीजों को बच के चलती हूँ, पब्लिकली बहुत मेरा वर्क रहता है, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, तो चीजें लेट हुई बहुत। इस बार जो 2 साल से जो मेरे सॉन्ग्स हैं, जो 2019 में कॉन्टिन्यूसली जो मैं सॉन्ग्स दे रही थी, दो करेक्ट। साल से उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके ओके ओके, तो ये सारी चीजें हुई हैं। अच्छा, आपके जो सॉन्ग्स हैं उनमें कई सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत सारे हिट रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ आपका जो सबसे हिट गाना हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप वो हमें गा के सुनाइए। रांझा था और लकीरा था, मरजानिया था, बहुत सारे गाने आपने गाए हैं, तो कोई एक गाना जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, आप जो गा के सुनाना चाहें। एक आर्टिस्ट के लिए उसकी हर क्रिएशन बहुत दिल के करीब होती है, करेक्ट करेक्ट। वो बहुत, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज कि कौन सा हिट है कौन सा, क्योंकि जो आर्टिस्ट, वो कोई भी आर्टिस्ट है और वो किसी भी कला में, उसको अपनी हर चीज बहुत प्यारी लगती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन रांझा मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज इट्स अ सूफी सॉन्ग,
और बहुत रूहानियत वाला रांझा है। तो रांझा की मैं दो लाइनें गा के सुनाऊंगी। बिल्कुल। दिल दिया जाने मेरा दिल पर जानी जी दिल खिलाई सारी अपनी जवानी ओ जी दिल खिलाई सारी अपनी जवानी। थोड़ा सा और गाने तो सारे ही बहुत 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 दिल के करीब है। रांझा बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है। रांझा से मुझे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी बिकॉज वो मैंने मैं किसान एकता के साथ जुड़ी हुई हूँ और जैसे मैं हमेशा वहां पे जा रही थी तो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि उसका शूटिंग का प्लेस भी गांव वालों ने मुझे पंजाब में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया कि मैम आप हमारे यहाँ आते हो तो आप यहाँ शूट करके जाओ। तो सैल्यूट टू किसान एकता ऑल्सो। हर 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 सॉन्ग के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है, कोई ना कोई कनेक्शन होता है, तो ये इसलिए भी बहुत दिल के करीब है रांझा। अच्छा आप क्योंकि जैसे कि मुझे जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ आप पंजाबी सिंगर हैं, बॉलीवुड में गाने गाने की क्या कुछ प्लानिंग है, कुछ सोचा है आपने? क्योंकि पंजाबी में तो आप बहुत हिट हैं पंजाबी सॉन्ग्स में एज अ पंजाबी सिंगर। अगर कोई चांस मिला तो उस मौके को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन पंजाब क्यों, पंजाब से अभी बहुत प्यार मिल रहा है। अभी तक मेरे पास फ्रैंकली स्पीकिंग कोई बॉलीवुड से ऑफर नहीं है और अगर ऑफर आएगी तो जरूर जाऊंगी। अच्छा आपने खुद अप्रोच किया कभी बॉलीवुड में, कभी खुद सोचा मतलब कि? नहीं। अच्छा इंटरेस्ट नहीं है कि ऐसे ही मतलब क्योंकि आप खुश हो आप जो कर रहे हो? मैं बहुत छोटे छोटे चीजों में खुश होती हूँ, मैं बहुत बड़ा नहीं चाहती हूँ। मैं अपना हाथ भगवान को देके चलती हूँ कि जो वो मेरे को देगा मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो मैंने कभी अप्रोच नहीं किया किसी भी बॉलीवुड म्यूजिशियन को। अगर कोई ऑफर आएगी तो देखूंगी, खुद से अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है मैंने। अच्छा पंजाब में आपको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, लोग आपको वहां पे पहचानते हैं जानते हैं, और अब तो मतलब बॉलीवुड में भले आपने काम नहीं किया है लेकिन बॉलीवुड में भी लोग आपको जानते हैं, और आज मैं भी आपके सामने बैठी हूँ आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ अर्पिता कि पंजाब में लोगों का क्या कुछ ओपिनियन होता है आपको लेके, कि क्या कभी किसी ने बोला पंजाबी फैन ने कि अर्पिता मैं आपको यहाँ देखना चाहता हूँ, अर्पिता मैं आपको वहां, कभी कुछ ऐसा हुआ? फैंस के कुछ कमेंट ऐसे आते हैं आपके पास? बहुत ज्यादा जो मेरे को कमेंट्स आते हैं वो जनरली ये होते हैं कि मैम यू आर द ओनली वन सिंगर इन द इंडस्ट्री। किसी सिंगर से कोई भी मेरा वो नहीं है कि मैं किसी के लिए कोई बात कहूँ या कुछ कहूँ, बिकॉज मैंने कभी भी कोई डबल स्टैंडर्ड सॉन्ग नहीं गाया, कोई बारूद नहीं, कोई नशा नहीं, कोई गलत वर्ड्स नहीं, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो प्रोफेशनली। सो दिल नहीं मानता कि कुछ भी कुछ गलत गाओ। तो जो कमेंट्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार के जो कमेंट्स है क्वीन ऑफ पंजाबी कल्चर लिविंग लेजेंड, मुझे लोग जो है वो इतना ऊपर जोड़ रहे हैं तो बहुत टफ हो जाता है। इसलिए मैं जो भी करूंगी कोशिश करूंगी कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे ज्यादा मैं कर पाऊं और पंजाबी कल्चर को मैं जिंदा रख पाऊं। जो पंजाबी कल्चर हमारा खत्म हो चुका है, मेरी एक ही ख्वाहिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए हमारा यूथ भटक रहा है। अच्छा तो लगता है बच्चे सुनते हैं ये सब जितना भी बीट्स हाई बजती हैं, लेकिन मेरा हो सकता है मेरा जो यौनर है जो ऑडियंस है वो मैंने एक सीमित कर रखी है। मेरा फैन फॉलोइंग जो है वो अब्रॉड बहुत ज्यादा है, न्यूजीलैंड कैनेडा, बिकॉज लोगों को जोड़ के रखती हूँ। मेरा पंजाब गाना आया था, मेरा नखरिया दावा आया था, मैं अपनी जड़ों को जो है ना पंजाबी जड़े जो है मेरा ये मन है कि मैं उसको बहुत ऊपर तक लेके जाऊं। तो कोशिश यही रहेगी कि पंजाबी इंडस्ट्री को सॉलिड किया जाए, जो चीजें खत्म हो चुकी हैं उनको दोबारा से वापस लाया जाए, रिवाइव किया जाए। ओके करेक्ट करेक्ट। अर्पिता एक चीज और कि आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई, सिंगिंग में आना कैसे हुआ, घर वालों का कैसा सपोर्ट था?
इस करियर में? मैं बताना चाहूंगी जो बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं है, मैंने सिंगिंग बचपन में सीखी और बचपन में प्रॉपर मेरा क्लासेस थी, मेरे स्कूल में भी गाती थी. पूरा इसका मैंने एक विधिवत जिसको कहते हैं पूरा मैंने इसका शिक्षा ली. लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत मेजर. अगर आप देख सके मेरा ऑडियंस, मेरे सारे फेस स्टिचेस हैं, 700 से ज्यादा टांके मेरे फेस पे लगे थे और मेरी आईज वगैरह सब स्टिच्ड, मतलब बहुत मेजर एक्सीडेंट. और एक बार नहीं हुआ, वो तीन बार हुआ. कोई टाइम ऐसा था तो मेरी वोकल कॉर्ड जो है वो स्वोलन हो गई थी. कांच था गाड़ी का जो मेरे अंदर चला गया था, तो अंदर से डॉक्टर ने बोला कि आप गा नहीं सकते हो बिल्कुल भी. तो छोड़ दिया, भूल गई मैं बिल्कुल भी कि मैंने सिंगिंग सीखी है या मुझे गाना भी आता है. आई कैन से दैट 15 साल तक मैंने गाया नहीं. 15 साल तक 2016-17 में किसी रामलीला में, बिकॉज एज अ चीफ गेस्ट में गई थी, तो वहां मैंने मेरी टीम मेरे साथ रहती है हमेशा, तो वहां मैंने एक भजन गाया था. मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वो स्टार्ट होना था या क्या था. मेरी टीम ने सुना, मैम आप तो बहुत अच्छा गाते हो. आई सेड मुझे तो गाना आता ही नहीं, मैं तो भूल चुकी हूँ. एंड मैं अपने ऑफिस में हूँ, अपनी पब्लिक को ये बताना चाहूंगी जो चाहते हैं, इतने साल 15 साल मैंने हारमोनियम को हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी, क्योंकि गा ही नहीं सकती थी, डर लगता था. शुरुआत करती थी तो गला आवाज खराब हो जाती थी बिल्कुल ही, बोल नहीं पाती थी. तो जब दोबारा शुरू किया तो प्रॉब्लम्स आई, डॉक्टर्स को दिखाना पड़ा. लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर राह बनाता चलता है. जब शुरुआत की तो वो धीरे 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 रियाज करना स्टार्ट किया, तो करते 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 आज इस लेवल पे आ गई कि आज 15 सॉन्ग्स निकल चुके हैं और ये सब ऊपर वाला और मेरी पब्लिक का प्यार है. बहुत दर्दनाक कहानी आपकी रही है अर्पिता, वाकई काफी इमोशनल है कि मतलब इतनी सारी चीजें आपने फेस की और फाइनली आज आप एक अच्छे मुकाम पर हैं, तो सैल्यूट टू यू. बहुत अच्छी बात है अर्पिता, रियली मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं आपकी बातें सुन रही थी अभी तो. ये मेरा अभी भी फेस अंदर से स्ट्रेच्ड है. मैं आई कैन सी ऑन योर फेस, आई कैन सी अभी यहां पे जो मार्क्स हैं. आई कांट ईट एन एप्पल लाइक दिस बिकॉज़ वो स्ट्रेच्ड है अंदर से. मैं ऐसे फ्रूट्स वगैरह नहीं खा सकती, उसको कट करके खा सकती हूं. ओके. यहां सारा गाड़ी का शीशा मेरे, और एक बार नहीं सोचो तीन बार हुआ ऐसा. And I am very bold. I am a very strong woman. मेरे जितने भी stitches आए, 700 stitches जब first time आए थे, सारे होश में. Because ये जो कट जाता है, आप इस पे anesthesia नहीं दे सकते हैं. Cosmetic surgery हुई थी. Okay. Oh God. आप कितने सारे लोगों को inspire कर रही हैं अर्पिता. आपने जिस तरह से चीजों को फिर संभाला, इतनी सारी चीजें होने के बाद जिस तरह से आपने अपने करियर को एक नया मुकाम दिया, ये वाकई खुद में बहुत बड़ी बात है. और मुझे लगता है जब ये इंटरव्यू, क्योंकि ये तो अभी रिकॉर्डेड है, जब ये ऑन एयर होगा, जब लोग इसे देखेंगे, तो मुझे लगता है कई सारे लोग जो है वो इंस्पायर जरूर होंगे आपकी बातें सुनकर. और मैं चाहती हूँ और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहिए अर्पिता, क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. जो लोग होते हैं ना, मतलब हार जाते हैं और कुछ ना कुछ उनके लाइफ में भी इश्यूज होते हैं, जो फिर सोचते हैं अरे छोड़ो मतलब, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए. ये चीज आपने जो जज्बा था उसको सलाम, और मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही इंस्पायर करती रहिए आगे भी लोगों को. अर्पिता थैंक यू. जी. अच्छा अर्पिता, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, कौन कौन से प्रोजेक्ट लाइनअप पाइपलाइन में है, लाइनअप है आपके? सॉन्ग्स रिकॉर्डेड है, 2 सॉन्ग्स रिकॉर्डेड है, लेकिन थोड़े मैं चाह रही हूँ कि जिस तरह से अब एक्सपेक्टेशन हो गई है, तो मेरा अभी चंडीगढ़ जा चक्कर, कल भी मैं चंडीगढ़ में ही थी तो आपसे मुलाकात मेरी नहीं हो पाई. ओके, हाँ, आई गॉट टू नो. या जल्दी ही बहुत कुछ अच्छा, और इससे कोशिश करूंगी कि जो एक्सपेक्टेशंस है इससे कुछ अच्छा ही दूंगी. प्रोबेबली यू कैन से दैट इन नवम्बर कुछ अच्छा आएगा. ओके. तो अर्पिता, हम चाहेंगे कि जब नवंबर में जब आपका न्यू सॉन्ग आए, तो आप उसके बाद फिर से हमसे इंटरेक्ट करें, और हम फेसबुक लाइव भी करेंगे आपके साथ, और वहां पे मैं चाहूंगी कि आप फेसबुक लाइव में अपने गाने गाकर सुनाएं, क्योंकि वहां पे लोगों की फरमाइशें आती हैं.
वो एक बहुत अच्छी बात है, लोग वहां पे अपने गाने बताएंगे, आप वहां पे गाओगे, वो चीज एक अलग होता है। तो हम चाहेंगे कि जब आपका एक गाना नया आए तो उसके बाद हम आपसे वहां पर इंटरेक्ट करें, फेसबुक लाइव पर, अपने प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू श्योर श्योर, थैंक यू सो ओके मच, जी अर्पिता, ओके थैंक यू ओके थैंक यू, बाय जय अर्पिता, हिंद बाय बाय बाय, थैंक जय यू हिंद थैंक यू। जय हिंद।